नाद ताल मृदंग हूं कट गा कट गा कट दई कट नाद भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह तो नहीं हो रही है लेकिन हाँ 10 बज रहे हैं तो सुबह का ही टाइम है। और यहाँ पर आज हमारी नानी जी सुबह सुबह बैठ गई हैं काफ़ी हार्ड वर्क करने के लिए। ये दाल मैंने भिगो के रखी थी रात में, तो मैं इसको धुलने जा रही थी तो नानी बोली तुमसे छिकल लेके नहीं निकलेंगे इससे, तो हमें दो हम चेयर में बैठे बैठे इसको रगड़ देते हैं, तुम फिर पानी से साफ कर देना। और अब मैं आ गई हूँ, इस दाल को साफ हो चुकी है अच्छे से पीसने के लिए। और मुझे पता था कि ये दाल थोड़ी सी चिपकती है, बहुत देर में पीसेगी, थोड़ा थोड़ा करके मुझे मिक्सी में पीसना पड़ेगा, इसलिए मैंने मिक्सी को बाहर ही निकाल के रख लिया क्योंकि किचन में खड़े खड़े परेशान हो जाती। और इसका प्लग थोड़ा सा स्विच तक पहुंचने में थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने भगोना लगा लिया नीचे कि थोड़ा सा लेवल पर आ जाए। तो यहाँ पर बस दाल थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस ले रही हूँ। और ये दाल ना बहुत चिपकती है, काली वाली दाल है, पानी डाल डाल के पीस रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा था कहीं मिक्सी ना ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे बंद कर करके थोड़ा थोड़ा करके पीस ली। सारी दाल खत्म हो चुकी है। और ये है पेठे का फल जो कि नाना जी के दोस्त कानपुर से लेके आए थे। ये आधा दिख रहा है, आधा नहीं लेके आए थे वो, तो पूरा ही लेके आए थे। लेकिन क्या है कि इस समय पर किसी ने बनाया नहीं, बहुत टाइम से घर ही में रखा है और कुछ यूज नहीं हुआ, बाहर रखा रहा है फ्रिज में, तो मैंने बाद में रखा है। तो ये क्या है कि आधा ना सड़ गया था, पीछे साइड का सड़ गया था, थोड़ा सा गला गला सा हो गया था, वो मैंने काट के फेंक दिया। जितना अच्छा अच्छा था इसको फ्रिज में रख दिया। वैसे तो मैं पूरा फेंकने जा रही थी लेकिन नानी बोली थी फेंको नहीं, इसकी वो लगा लेंगे बरी लगती है, तो बरी की वजह से फिर मैंने इसको फेंका नहीं। अब क्या होगा, खराब हो गया है, आधा आधा रखेगा, क्या बनाएंगे? मामी थी तब से रखा है ये, मामी कहती रही पेठा बनाएंगे, कोई ये बनाएंगे, कस के मुरब्बा जैसा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं बनाया। और मुझसे तो खैर बनता ही ना इसका कुछ, इसलिए ये रखा रहा, नहीं तो मैं तो कुछ ना कुछ बनाती, लेकिन समझ में नहीं आया। अब तो नानी इसकी बरी लगाने जा रही है। दो फल थे ये, एक अभी रखा है और ये आधा खराब हो गया था, तो बस इसी को जा रहे हैं कस के। और दाल, इसी के लिए मैंने आज दोपहर में दाल पीसी थी, वो इन दोनों को मिक्स करके कल लगाएंगे बरी दोपहर में, सुबह सुबह दोपहर में क्यों, सुबह के टाइम। तो बस अभी मैं इसको ले जा रही हूँ, ठंडा हो रहा है फ्रिज का, इसको काटेंगे क्योंकि नानी ना अब दवा खा लेती है, थोड़ा सा उनके पैर में सही रहता है तो इन चीज़ों को याद दिलाती रहती है। वैसे तो होता नहीं है, पहले नानी ये चीज़ों में बहुत मगन रहती थी, करती रहती थी ना, तो उनको ये चीज़ें बर्बाद हो रही हो ना घर में रखी हुए, तो देखा नहीं जा सकता है, कहेगी अरे कर दो तुम कर दो मेरे से। फिर मैंने कही चलो घर में वैसे भी अकेले हैं, कोई काम ही मिलेगा, बिजी रहेंगे इसी बहाने, चलो मन की तुम भी थोड़ा, तुम्हारा भी थोड़ा सा मन लगा रहेगा और मेरा तो खैर लगा ही रहेगा। नहीं तो मैं जा रही हूँ चाय बना लेती हूँ, चाय बना के उसे कस के रखूँगी। आज दिन में पूरा मतलब कि उसका जो सामान सब तैयार करते करते पूरा दिन निकल गया। दाल नानी ने सुबह धोई, फिर दोपहर में मैंने पीसी, अभी हम उसे जा रहे हैं कस ने काट के कसा जाता है ना, तो वो करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी के फिर करी। चाय के साथ मन कर गया कि दाल पीसी रखिए बड़े बना लूं, क्योंकि मुझे ये सूखे वाले बड़े बहुत पसंद आते हैं, तो बस मैंने वही बनाए हैं लेकिन बन नहीं रहे थे, फिर भी मेरे बने। मैं नानी से अंदर बात ही कर रही थी कि नानी ये बरी यरी जब लगाने जाते हैं तब ऐसा लगता है कि मानो घर में शादी आदि है, और उसी टाइम ये काम होते हैं ना। उतनी देर में बाहर देखा कि बैंड बाजे बज रहे हैं और दूल्हा गेट पे खड़ा है, मतलब कि बगल में निकासी के लिए आए थे, कोई होगा फैमिली से रिलेटिव उनका, तो टीका करवाने आए थे। मैंने लो सच में बारात आ गई, मेरा कहने की देर नहीं हुई, बारात गेट पर खड़ी है। तो यहाँ पर मैंने इसको कस के और ये पेठे को और इसमें दाल में पानी निकाल के एक्स्ट्रा निचोड़ कर इसको मिला दिया, और नानी ने उसके बीजे भी मिला दिए थोड़े से, कह रही थी बीजे भी डाल दो अच्छे लगते हैं जब सूख जाते हैं सब्जी में, तो ठीक है। और अभी हो रहा है सुबह का, तो बहु है, सब बहु बहु हैं।
पांच बहुएं बनाकर उसके बाद बरी लगाई जाती है। नानी बोलती है हमेशा जब भी बरी लगाते हैं ये बैठालते हैं बना के उनको टीके चंदन से पूजा तो नहीं की, टीका चंदन लगाया उसके बाद ये बरी बनाने मैंने स्टार्ट कर दिया। नानी दवा खा लेती हैं तो उनका पैर का तड़कने वाला दर्द खत्म हो जाता है ना, तो थोड़ा सा उनका मन करता है, अच्छा रहता है अंदर से जिंदगी थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि जो लोग काम करते रहे हैं उन लोगों को बैठे बैठे चैन नहीं पड़ती है। मैंने देखा है नानी ना मामी के साथ भी कुछ ना कुछ कराती रहती है, उनकी चाहे जितनी तबीयत खराब हो बैठे उठे कुछ भी काम हो करा लेंगी, और जबकि उनको पैरों में बहुत दर्द है नीचे तो बिल्कुल भी बैठ ही नहीं पाती हैं। और 600 mg की गोली ये दिन में 2 बार खाती हैं सुबह शाम, तब जाके ऐसा है कि थोड़ा बहुत चल फिर पाती हैं, गोली नहीं खाती हैं तो फिर बिल्कुल से हो जाता है। लेकिन क्या करें, जब थोड़ा सा मन अच्छा होता है ना तो उनको काम में थोड़ा चलने फिरने का मन करता है ताकि मन लगा। मैं अचानक से इतना तैयार होके कहते आ गई, आप लोग भी यही सोच रहे ना मैं अभी जूड़े लगाए थे, लेकिन क्या है कि अपने काम के लिए सब चीजें करनी। तो अभी मैंने ना ये कुर्ती पहनी है और थोड़ा सा तैयार हूँ, मैं इंस्टाग्राम में रील बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि लाइट नहीं है और दूसरी वजह से मतलब की रील के हिसाब से लाइट नहीं है और अकेले शूट करना पड़ता है ना तो थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता है और मतलब बनती नहीं है, लेकिन खाली टाइम है तो सोच रही हूँ ट्राई करके देखूँ, एक आध तो बनेंगी, तो बस उसी के लिए गेटअप किया है कि थोड़ा। और अभी ना मुझे बनाने में बहुत रीटेक लेना पड़ता है, एक बार से बनाने से होती ही नहीं है थोड़ा सा, लेकिन ट्राई कर रही हूँ। फिर भी हो गई मेरी रील सूट, 2 रील सूट करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने इतने सारे तोहफे कपड़े फैला दिए, लाइट यहाँ टांगी क्योंकि लाइट नहीं आती है जब तक मामी नहीं है, मामी के कमरे में एक शांति रहती है, थोड़ा खाली रहता है, बाहर को आया कर जाता है, इस वजह से मामी के कमरे में करने में लगी थी सारा काम, अब उतारने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी में जरूर जाकर देखें कि मैंने कैसी रील शूट करी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नंदनी सिंह ऑफिशियल, आप लोगों को पता ही है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो करें और देखें मेरी रील कैसी लगी आप लोगों को, गेटअप तो अच्छा है। और अभी हो रहा है शाम का 5 बज गए, 5 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, 5:30 हो गया है, लेकिन अभी मैं बाहर जा रही हूँ बाहर, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ना सब्जी लेके आनी है, ख़त्म हो गई है, आलू नहीं है घर पे, टमाटर नहीं है, प्याज थोड़े से रखा है, अदरक रखा है और हरी मिर्च लानी है, तो मैं ले आती हूँ। मैं अभी सोच रही थी कि आज नाना जी आ रहे हैं लेकिन आज भी नाना जी कल आएंगे, तो सोचा मैं ही ले आती हूँ, नाना कहाँ परेशान होंगे, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें ख़त्म है मैं ले आती हूँ, मार्केट तो नहीं जाऊँगी यहीं पास में जाऊँगी, सब्जी की दुकान तो थोड़ा सा यहीं मेन रोड में भी है तो बस वहीं से लेके आती हूँ। बहुत देर से सोच रही हूँ, दोपहर से सोच रही हूँ जाने के लिए, लेकिन नहीं फिर शाम हो गई है, चली जाऊँगी तो फिर नानी चिल्लाएंगे रात में जा रही हो। सबसे पहले मैं आई हूँ उस फल वाली दुकान में, पहले फल ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास फुट कर पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा इसी बहाने पहले पैसे भी चेंज हो जाएंगे और फल भी ले लेती हूँ, फिर उस साइड मुझे रोड क्रॉस करके जाना है क्योंकि सब्जी की दुकान उस साइड है, तो बस अपना नाना जी की बंधी हुई है, वो नाना जी जब भी फल लेने आते हैं तो यहीं से लेके जाते हैं, और हम लोगों को भी यही शॉप के लिए बोलते हैं क्योंकि वो प्राइस सही लगा देते हैं, यहाँ से लेते रहते हैं। फिर मैं आ गई, तो सब्जी तो मैं जो है बहुत सारी लेनी थी, लेकिन फिर मैंने अभी थोड़ी थोड़ी ले ली क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था ना, सब्जी सारी बची हुई थी और यहाँ पर प्राइस भी बहुत महंगे लगा के देते हैं, बाजार जाते हैं ना तो सारी सब्जी यहाँ से कम 10 रुपये प्राइस कम में मिलती है, लेकिन अभी बाई चांस एमरजेंसी में चाहिए थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था तो मैंने कहा चलो ऑटो ही से चलती हूँ उस साइड से, तो मैं पैदल पैदल आ गई थी यहीं सरकारी हॉस्पिटल तक ही आना था, तो बस पैदल पैदल आ गई थी। अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाने से पहले याद आया कि अभी मुझे किराना वाली शॉप से तो सामान लेने ही था, कुछ मठा के पैकेट वगैरह लेने थे, प्रसाद ख़त्म हो गया था वो भी लेना था, तो फिर वो भी लिया। बस अब मैं आ चुकी हूँ घर और थैला भर के सब्जी लेके आई।
सब्जी तो मैं ले आई है, लेकिन एक बात बताओ, मैं घर से क्या क्या बोल के गई थी, क्या क्या लेना है तुम्हें याद है? बोलो। हाँ, टमाटर, हरी मिर्च, सेब, चाय की पत्ती, हाँ मिश्री भी ले ली, मीठा का पैकेट, और जितना बोला था उतना तो ले लिया, लेकिन उससे भी एक दो चीज ज्यादा ले ली। नानी आपने बैगन बोले थे ना, बैगन मैंने ले लिए, सस्ते में ले लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिए, क्योंकि बैगन आपको नुकसान करता है, इसलिए आधा किलो लिया बस, है ना। यहाँ पर मैं अब सारी सब्जी निकाल के रख रही हूँ, और ये आंवला ना जब वो ओले गिरे थे ना तब के टूटे हुए हैं, तो थोड़ा सा सस्ते मिल गए थे, 20 रुपए किलो मिल गए थे, वैसे आंवला महंगा है, तो मैंने ले लिए थे, मैंने कहा अचार रखने के लिए हो जाएगा, तो 1 kg लिया था बस, क्योंकि थोड़ा सा ख़राब से थे, इसीलिए तो उन्होंने सस्ते दे दिए थे, लेकिन काटने के बाद वो सही आ जाएंगे, नानी बोली थी ठीक है वो आ जाएंगे काटने से, तो बस मैंने ले लिए, क्योंकि आंवला का अचार बहुत पसंद है, और सब्ज़ी निकाल के रख दी सुबह धुल। नानी सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? सेब 300 रुपए, लेकिन वैरायटी है उसकी कुछ रद्दी वाले सस्ते तो सर। हाँ, एक बार ले लिए थे ना मैंने, 100 रुपए, 120 रुपए किलो वाले ले लिए थे, वो ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले थे, और सड़े वाले ना, तो फिर नाना ने बताया था कि लेके आना तो महंगे वाले अच्छे लेके आओ, वैसे उनका बोलना भी सही है, लेके आते हैं 100 रुपए वाले, उसमें से 2 सही निकलते हैं, बाकी सब अंदर से अंदर के खाते दगे निकलाते हैं। टीपक रख दूं बाहर। पर मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियो देखते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक किया करिए, क्योंकि इस समय पर मैं अपने वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम दे रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। लोग मेरे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, मेरे वीडियो को शेयर आगे ज़रूर कीजिए।